जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को सात बेर ले लो और सात बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। महत्व है, यहाँ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उधर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है शंकर को, जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोला तो बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं, मात्र एक बोर, एक बेर, महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी बधाई। सभी का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, निरोगी हो, इसी की आशा के साथ साथियों गुरुदेव जो अपनी कथा में उपाय बताते हैं आपको अपने इस चैनल से प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिवरात्रि के दिन आप व्रत कर पाओ या नहीं, उपवास कर पाओ या नहीं, पूजा कर पाऊँ या नहीं, पर एक बोर शिवलिंग पर आप जरूर अर्पण करना, जिससे पूरा जीवन सुखमय होगा, पूरे घर के व्यक्ति जितने सदस्य हैं सभी निरोगी होंगे, कोई बड़ा रोग नहीं होगा, ऐसी मान्यता है और शिवमा पुराण में वर्णित है। साथ ही गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा उपाय एक और बताया है, बोर का ही सात बोर लेकर के जिस व्यक्ति को बार बार नज़र लगती हो या बीमार रहता हो या कोई टोना टुकार किसी ने करवा रखा है, उसके लिए भी सात बोर अपने हाथ में लेकर के एंटी क्लॉकवाइज उतार करके उस व्यक्ति से, जैसे अपन नज़र उतारते हैं वैसे उतार करके दिन के 12 बजे जाकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देने से व्यक्ति का रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अगर किसी की बुरी नज़र है तो वो तुरंत ही ख़त्म हो जाती है। तो यह छोटे छोटे से उपाय हैं महाशिवरात्रि के दिन आप करना ना भूलें। महाशिवरात्रि पर और भी वीडियोस चैनल पर है, आप उन्हें ज़रूर देखना। सभी का जीवन मंगलमय हो इसी आशा के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।